हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फ शिवांशु अत्रे स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में अपन क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के कारवा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं, देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम के बारे में। ये दोनों थ्योरम कहती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आती है। तो बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम है क्या। शुरुआत करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से। अब रिमाइंडर, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा नाम से ही, रिमाइंडर का मतलब होता है जो बच गया, तो बस रिमाइंडर थ्योरम भी हमें यही कहती है। अब इसके बेसिक को आप समझ लीजिए, मैं आपको बहुत बेसिक से सिखाऊंगा ताकि आप उसकी बारीकी को समझ सकें। आपको पास मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया और पॉलिनोमियल दे दिया गया px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और बोला गया कि भाई इसको डिवाइड कर दीजिए आप, qx आपको दे दिया गया x माइनस 1 से, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कीजिए। तो बेसिकली अभी अपन डिवाइड का कौन सा मेथड जानते हैं, झोपड़ी वाला मेथड, है ना। जो बड़ा होगा वो घर के अंदर चला गया। यहां अगर हम बात करें पॉलिनोमियल में बड़ा डिग्री से ही होता है, तो डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक है, ये बड़ा हो गया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अंदर चला गया, बाहर रहा मेरा x माइनस 1। अब मैंने यहां देखा मेरा पहला टर्म क्या है 3x स्क्वायर और यहां है x, तो इसको साइड में लिख लिया 3x स्क्वायर बाई x, तो ये आ गया बेटा 3x, ठीक है। तो यहां मैंने ऊपर लिख दिया 3x, यानी कि 3x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3x, ठीक है। ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया आपका माइनस का 2x प्लस का 6। अब यहां पर है आपका माइनस का 2x, तो माइनस का 2x लिख लिया, यहां आपका पहला टर्म है x, तो ये हो गया बेटा माइनस का 2, तो माइनस का 2 यानी कि माइनस का 2x प्लस का 2, ठीक है। तो ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये 4 आ गया, तो रिमाइंडर बच गया 4। ये हमारा प्रॉपर तरीका होता है जिससे हम अभी तक करते आते हैं, पर रिमाइंडर थ्योरम हमें थोड़ा सा इजी ट्रिक करती है। ये कहती है अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड a इज एनी रियल नंबर, px is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and a is any real number, ठीक है, a कोई भी एक real number है, if px is डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन पी ए इज रिमाइंडर, ठीक है भाई। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसे मैं एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगा, ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा पी ए। अब यही चीज यहां देखते हैं, देखिए रिमाइंडर मेरे पास 4 आ चुका है प्रॉपर तरीके से। पी एक्स का वैल्यू मुझे दिया गया था पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसे मैंने डिवाइड करा था क्यू एक्स से, क्यू एक्स था मेरे पास एक्स माइनस 1, यानी कि अगर मैं यहां कंपेयर कराता हूं तो एक्स माइनस ए से डिवाइड करना था, यहां हो रहा है एक्स माइनस 1 से, तो ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू आ गया 1। इसका सिंपल सा तरीका है, आप x माइनस 1 को 0 कर दीजिएगा, जो भी x का वैल्यू आएगा सीधे से आपको वही रिप्लेस करना है, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर इज इक्वल टू पी 1, सिंपल। तो ये हो गया आपका 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 3 माइनस 5 प्लस 6, तो ये हो गया आपका 9 माइनस 5 यानी कि आपका 4। देखिए यहां भी आपका 4 आया, यहां भी आपका 4 आ गया, कितना सिंपल है। तो चलिए उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब मैं सिखाता हूं आपको एक नई ट्रिक जो आपके क्लास 9th में तो नहीं है पर बहुत काम आ जाती है। देखिए हमने यहां पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है px, इसे मैंने डिवाइड करा x माइनस a से, तो मेरा रिमाइंडर आता है बेटा पी ए, ये मुझे पता है, यहां मैंने लीनियर से डिवाइड करा है। अब मैं आपको एक नया तरीका सिखाता हूं जो शायद आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, उसे आप डिवाइड कर रहे हो x की पावर n माइनस a से, ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा आपको,
पर यहां मैं एक बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिया और पी एक्स ले लिया, सपोज से फॉर एग्जाम्पल आपका आ गया 2x4 प्लस 3x3 माइनस 5x2 प्लस 8x प्लस 3, ये आपका पी एक्स आ गया। इसे मान लीजिए डिवाइड करना है क्यू एक्स, और क्यू एक्स ले लिया मैंने सपोज x2 माइनस 1 से। अब ये मेरा रिमाइंडर थ्योरम में तो काम करेगा नहीं, पर देखिए ये इस कंडीशन में आ रहा है xn माइनस a वाली। तो ऐसे में एक ट्रिक होती है, पहले तो मैं आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करके बताता हूं। जैसे ही मैंने लिखा 2x4 प्लस 3x3 माइनस 5x2 प्लस 8x प्लस 3, इसको हम डिवाइड करते हैं बेटा x2 माइनस 1 से, तो यहां आएगा ऊपर आपका 2x2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 2x4 माइनस का, और ये पीछे चला जाएगा 2x2, ठीक है। तो ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका 3x3 माइनस का 3x2 प्लस 8x प्लस 3, क्लियर है। अब देखिए यहां क्या आ रहा है, प्लस का 3x3, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 3x, ठीक है। तो ये बन गया आपका 3x3 माइनस का 3x, है ना। तो यहां से हमने देखा तो माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, माइनस का 3x2 प्लस का 11x प्लस 3, क्लियर है। अब यहां देखिए आप, ये आ रहा है माइनस का 3x2, ये है आपका x2, तो माइनस का 3 हो गया बेटा, तो ये आ गया आपका माइनस का 3x2 और ये प्लस का 3, क्लियर है। तो ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल और रिमाइंडर आ गया 11x। अब ये रिमाइंडर हम यहां कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिएगा, आपको कोई लोड नहीं लेना है, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। देखिए पीएक्स लिखा हुआ है 2x4 प्लस 3x3 माइनस 5x2 प्लस 8x प्लस 3, ये आपका पीएक्स है। आप डिवाइड कर रहे हैं बेटा x2 माइनस 1 से, ठीक है। तो इसको जीरो ले लीजिए तो आपको x2 का वैल्यू मिलता है 1, तो आप इसको ब्रेक कीजिए। यहां आप लिख सकते हैं 2 x² का² प्लस 3x² x, ठीक है, माइनस 5x² प्लस 8x प्लस 3, ठीक है। मैंने क्या करा, x² माइनस 1 यानी कि जिससे भी डिवाइड करना था उसको जीरो के बराबर कर दिया, और उसी पावर में उसकी वैल्यू निकाल ली x² की 1। अब बस मुझे क्या करना है, x² को रिप्लेस करना है 1 से, तो रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर होगा बेटा 2 x² प्लस 3 x 1 x माइनस 5 x 1 प्लस 8x प्लस 3, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 2 प्लस 3x माइनस 5 प्लस 8x प्लस 3। तो देखिए 2 3 5 में से 5 गया कैंसिल, और 3x प्लस 8x 11x, तो रिमाइंडर आ गया आपका 11x। आपने पूरा प्रॉपर तरीके से करा, प्रॉपर तरीके से भी 11x आया, और ये हमारा देसी जुगाड़ से करा, जहां x² माइनस 1 से करना था तो इसको जीरो कर लिया। तो हम अगर इस तरह की कंडीशन आती है कभी x^n-a, ठीक है, तो हम डायरेक्ट इसको जीरो करें, xn = a जो भी आ रहा होगा वो आप उस पॉलिनोमियल में रख दीजिएगा, वो उसका रिमाइंडर हो जाएगा, और साक्षात प्रूफ मैंने आपको ये सॉल्व करा दिया। चलिए उतार लीजिए, फिर इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। अब चलते हैं अपन एक्सरसाइज 2.3 की ओर। अब 2.3 क्या कहती है, पूरी रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है px x³ + 3x² + 3x + 1, इसे जब मैं डिवाइड करूंगा x प्लस 1 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट रखना है, px को आपको डिवाइड करना है x माइनस a से, तो रिमाइंडर आता है आपका pa, बस यही आप दिमाग में रखिए। यहां अगर आप बात करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा बेटा, माइनस 1, इसको जीरो कर दीजिए, सिंपल x माइनस a को जीरो करा तो x का वैल्यू a आ गया, वही रखना है। x प्लस 1 को जीरो करो, x का वैल्यू माइनस 1 आएगा, तो रिमाइंडर हो जाएगा आपका p माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 x -1 का² प्लस 3 x -1 प्लस 1, तो ये बना बेटा अपना माइनस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 1, तो ये तो जीरो हो गया। सेकेंड वाला है x
माइनस हाफ, तो यानी कि यहां पर अगर बात करेंगे तो रिमाइंडर आएगा पी हाफ, क्योंकि ए का वैल्यू हाफ आ रहा है यहां पर, तो ये बन गया आपका बेटा 1 बाय 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 बाय 2 प्लस 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये हो गया आपका 1 बाय 8 प्लस 3 बाय 4 प्लस 3 बाय 2 प्लस 1। अब आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 8 और ऊपर 8 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 27, तो 27 बाय 8 इसका आंसर आ गया। फिर थर्ड है आपका x, तो x के साथ हम लिख सकते हैं x माइनस 0, x प्लस 0, कुछ भी लिख सकते हैं, तो रिमाइंडर हो जाएगा इसका p 0, ठीक है, तो p 0 इसका रिमाइंडर हो गया। तो आप यहां चेक कीजिए, x की जगह 0 रख दीजिए तो सिंपल आ गया आपका 1। देन उसके बाद x प्लस पाई, तो यहां रिमाइंडर होगा बेटा p माइनस का पाई, तो माइनस का पाई रख दीजिए तो ये हो गया माइनस का पाई क्यूब प्लस का 3 पाई स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 3 पाई प्लस का 1। फिर आता है 5 प्लस 2x, इसको 0 रखिए तो x का वैल्यू मिलता है माइनस 5 बाई 2, तो यहां रिमाइंडर होगा बेटा p माइनस 5 बाई 2, तो रख दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 5 बाई 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 5 बाई 2 का स्क्वायर प्लस 3 5 बाई 2 और ये प्लस का 1, ठीक है, और ये माइनस का, ना, तो यहां से आ गया आपका 5 का क्यूब होता है 125, तो माइनस का 125 बाई 8। देन उसके बाद यहां से हम बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 और 25 3 जा 75 प्लस 75 बाई 4 और यहां से करेंगे तो माइनस 15 बाई 2 और प्लस का 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर मिल जाएगा माइनस 27 बाई 8। क्लियर है, तो ये आपके रिमाइंडर आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, यहां पर है बेटा px is equal to x cube minus ax square plus 6x minus a, इसे हम डिवाइड कर रहे हैं x minus a से। आपसे पूछा जा रहा है बता दीजिए रिमाइंडर क्या होगा, तो रिमाइंडर आपका आ जाएगा बेटा, देखिए x minus a से कर रहे हैं ये तो सिंपल है ना, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा pa, तो x को रिप्लेस कर दीजिए a से, तो ये बन गया आपका ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस 6a माइनस ए, तो ये कैंसिल हो गए बेटा, आंसर आ गया 5a, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड, ये थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से फैक्टर थ्योरम की नीड उत्पन्न हुई है। यहां लिखा है 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x, ये आपको चेक करके बताना है। देखिए कोई भी किसी का फैक्टर कब होता है, जब रिमाइंडर 0 आ जाता है, सिंपल सा बात है। अगर मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 12, मैंने कहा कि 12 का क्या फैक्टर 2 है, तो भाई मैं 12 को 2 से डिवाइड करूंगा, रिमाइंडर मेरा 0 आ रहा है, तो वो फैक्टर हो जाएगा। यहां भी सेम वही तरीका होता है। मान लीजिए कोई दूसरा नंबर लिया 11, अब 11 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आता है 1, 0 तो नहीं आया, यानी कि 2 फैक्टर नहीं है 11 का। तो हम यहां पहले इसका रिमाइंडर निकालते हैं, तो 7 प्लस 3x इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू आएगा माइनस का 7 बाय 3। तो पहले रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर होगा आपका p माइनस 7 बाय 3। क्लियर है, तो ये हो गया आपका 3 और माइनस 7 बाय 3 का क्यूब प्लस 7 इंटू माइनस 7 बाय 3। यहां तक बढ़िया बात समझ में आ गई होगी, तो ये हो जाएगा आपका 7 का क्यूब होता है बेटा 343, तो ये हो गया आपका 343 माइनस का अपॉन 27, क्योंकि एक 3 आपका कट गया, सॉरी 27 नहीं 9 हो गया, है ना, क्योंकि एक कट गया आपका ये, और ये हो गया आपका माइनस का 49 बाय 3, ठीक है। तो ये 0 तो आ ही नहीं रहा, आपको दिख रहा है, आप ऐड कर लेंगे इसको, इज नॉट इक्वल टू 0, तो 7 प्लस 3x इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, अगर रिमाइंडर 0 आता तो फैक्टर होता, यहां रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलिए उतार लीजिए, फिर फैक्टर थ्योरम की ओर चलेंगे। अब चलते हैं यारों अपन फैक्टर थ्योरम की ओर। अब ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, बेसिकली रिमाइंडर से ही थोड़ा सा आगे फैक्टर थ्योरम आ जाता है। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है उसको हमने डिवाइड करा, हमने एक्सरसाइज 2.3 के लास्ट क्वेश्चन में अभी देखा है कि चेक करो ये फैक्टर है या नहीं, तो कैसे चेक किया था रिमाइंडर को, जीरो करके। अगर रिमाइंडर 0 होता तो फैक्टर होता, नहीं है तो नहीं है, सिंपल सी बात है। जैसे एक नंबर है 12, 12 को आपने डिवाइड करा 2 से,
तो जैसे ही आप 12 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आता है, तो 2 फैक्टर हो जाएगा 12 का। पर वहीं अगर एक नंबर है 11, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आता है, 0 नहीं आता, तो हम कह सकते हैं 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 11। वही चीज यहां आने वाली है। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरे पास एक पॉलिनोमियल है px, इफ अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, a इज एनी रियल नंबर, देन फर्स्ट, या फर्स्ट की जगह मैं वाइस वर्सा लिख दूंगा, इफ pa इज इक्वल टू 0। अब pa क्या हुआ है, रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर 0 होगा इट मींस x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है, ये समझ में आया, ये क्या बनाया मैंने, अगर pa 0 होगा तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, और यदि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px तो हम कह सकते हैं pa इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर ऐसा दिया गया है तो ये होगा, ये है तो ये। अब ये क्या मतलब है इधर उधर का, ये मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि अगर आपने चेक करा, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन दो तरीके से आता है, दोनों में आपको तरीके बताता हूं। जैसे पहला आ गया वेरीफाई दैट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ये क्वेश्चन आ गया कि आपको वेरीफाई करना है x माइनस टू इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आप बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, आपको क्या करना है, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स, ठीक है, तो रिमाइंडर निकाल लीजिए, रिमाइंडर कितना होगा जब इसे x माइनस टू से डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू पी टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर माइनस फाइव इंटू टू प्लस सिक्स, इट मीन्स 4 माइनस 10 प्लस 6, सो इट विल बी 10 माइनस 10, दैट विल बी 0। अब P2 0 आ गया, यानी कि रिमाइंडर 0 आ गया। अब सिंस रिमाइंडर इज 0, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। यानी कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, वेरीफाई दैट एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस, और उसको सॉल्व ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि फैक्टर दिया गया है, यानी कि वेरीफाई करना है आपको, तो रिमाइंडर आपने चेक कर लिया। दूसरा हो सकता है यही आपसे पूछ लिया जाए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस सिक्स। अब देखिए क्वेश्चन कुछ वैसा ही लग रहा है, यहां क्या था x माइनस टू इज अ फैक्टर ऑफ, ये हमें वेरीफाई करना था, तो वेरीफाई कैसे करा, रिमाइंडर निकाल के करा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर हो गया, रिमाइंडर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता। यहां क्या है, यहां आपको दे दिया गया कि x माइनस टू फैक्टर है। अब x माइनस टू फैक्टर है तो हम कह सकते हैं क्या चीज 0 होगी, p 2 0 होगा। क्यों 0 होगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा क्योंकि x माइनस टू फैक्टर है। अब p 2 क्या होगा, यहां पर दिस इंप्लाइज 2 स्क्वायर माइनस के इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, सो 4 माइनस 2k प्लस 6 इक्वल टू 0, सो 2k इज इक्वल टू 10, k इज इक्वल टू 5, है ना, कितना सिंपल तरीका है, बहुत बेसिक सी चीज है। आप ध्यान रखिए कि अगर pa 0 होगा तो x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px, और यदि x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px होगा इट मींस pa इज इक्वल टू 0, और क्वेश्चन दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया किस किस तरीके से पूछा जाता है, और इसी से हम आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए उतार लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आइए देखते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम फैक्टराइजेशन में कैसे काम आती है। जैसे पहला आपका पार्ट आ गया फैक्टराइज वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, तो आप इसमें सॉल्व करेंगे, इसको पी वाई ले लीजिए, पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस फाइव वाई प्लस सिक्स, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना,
क्वाड्रेटिक जब भी होती है आप इजीली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से कर सकते हैं। कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर देख लीजिए 1 और कांस्टेंट टर्म हो गया आपका 6, तो 1 इंटू 6 यानी कि 6। मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट 6 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर कोफिशियंट ऑफ वाई यानी कि माइनस का 5 आ जाए। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल गया, प्लस या माइनस करने पर माइनस का 5 मिल गया, तो ये होंगे आपके माइनस 2 और माइनस 3। तो आप स्प्लिट कर दीजिए y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3y प्लस 6, ठीक है। देख लीजिए माइनस 2 माइनस 3 आप करेंगे तो माइनस का 5y मिल जाएगा, y कॉमन आ गया, y माइनस 2 माइनस 3 कॉमन आ गया, y माइनस 2 इन दोनों में से y माइनस 2 कॉमन आ गया, तो यहां बच गया y और यहां बच गया माइनस का 3 और ये इसका आंसर हो गया। यानी कि अगर क्वाड्रेटिक वाला है तो आप इजीली स्प्लिट कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं आंसर, पर यदि आ गया आपके पास क्यूबिक तो फिर आप कैसे करेंगे, या बाय क्वाड्रेटिक डिग्री 4 वाला, तो आप क्या करेंगे, लेट पहले तो ले लीजिए px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और मैं यारों बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो आप क्या करो, कांस्टेंट टर्म चेक करो, पहले क्या आ रहा है बेटा, एक 120 आ रहा है, तो 120 के जितने फैक्टर बन सकते हैं सब निकाल लो। तो आप लिखो फैक्टर्स ऑफ 120 इज इक्वल टू, अब क्या क्या होंगे देखो, सबसे सिंपल बताता हूं, प्लस माइनस 1, तो यहां लिख दो प्लस माइनस 120, देखो 1 इंटू 120 बन गया, फिर उसके बाद प्लस 1 के बाद तो 2 आएगा, तो प्लस माइनस 2, अब 2 इंटू 60 होता है तो प्लस माइनस 60, फिर 2 के बाद 3 आएगा तो 3 इंटू 40 होता है प्लस माइनस 40, फिर इसके बाद 4 आएगा फिर 4 प्लस माइनस 30, ठीक है, फिर इसके बाद 5 आएगा तो प्लस माइनस का 24, अब 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा तो 6 और प्लस माइनस का 20, यहां भी प्लस माइनस कर दीजिए आप सबके आगे, ठीक है। अब 6 के बाद क्या आएगा, 7, 7 जाता ही नहीं है 120 से, 8, 8 चला जाता है तो प्लस माइनस 8, ये होता है आपका 15, फिर 8 के बाद आपका जाएगा कितना बेटा 10, 9 तो जाएगा नहीं क्योंकि, तो प्लस माइनस 10, अब 10 जाएगा 12 से, अब 10 के बाद तो वापस 12 होगा, तो ये रिपीटिशन चालू हो जाएगा, ये सारे फैक्टर्स हो गए। अब आपको इतने सारे चेक नहीं करने, घबराइए नहीं, एक या दो बार में ही आंसर आ जाता है। देखिए डिग्री है 3, मैं स्प्लिट कर सकता हूं डिग्री 2 वालों को, तो मुझे इसे पहले डिग्री 2 में बनाना पड़ेगा। बहुत आराम से एक ट्रिक सिखा रहा हूं, उसको सीख लो आप। आप क्या करो, P1 चेक करो, सबसे पहले 1 पे ही चेक करो, आप 1 पे चेक करेंगे तो ये हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, सो इट बिकम्स 143 माइनस 143 इक्वल टू 0। अब देखिए PA अगर 0 होता है तो X माइनस A फैक्टर होता है, याद कीजिए अभी फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है, PA अगर 0 होता है तो X माइनस A फैक्टर होता है, यहां P1 0 आ गया तो दिस इंप्लाइज X माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब यह चीज मुझे समझ में आ गई कि एक फैक्टर तो x माइनस 1 आ गया, अब डिग्री है 3 यानी कि 3 फैक्टर होंगे तो 2 और आने, अब 2 और कहां से आएंगे, आप x माइनस 1 से इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने का भी एक बहुत बेसिक सा तरीका सिखाता हूं, इसको याद कर लो। देखो x माइनस 1 तो कॉमन आ चुका है क्योंकि यह फैक्टर निकल चुका है, तो इसको आप कॉमन लीजिए। देखो कॉमन का तरीका बहुत ध्यान से सुनो, बार बार नहीं बताऊंगा, डिग्री कितनी है बेटा 3, तो 3 बार लिख दो x माइनस 1, x माइनस 1 और x माइनस 1, जितनी डिग्री उतनी बार फैक्टर को लिख दिया। अब यहां पहला टर्म देखो क्या है, x क्यूब, तो इस x को यहां पहला तो x आ रहा है, किससे मल्टीप्लाई करें, x क्यूब बनेगा x स्क्वायर से, तो ये कर दिया आपने x स्क्वायर, तो x क्यूब मिल गया, ठीक है भाई। अब आगे क्या मिला, माइनस का एक्स स्क्वायर, और यहां कितना है, माइनस का 23x स्क्वायर, यानी कि कितने की और नीड पड़ी मुझे, माइनस के 22x स्क्वायर की और नीड पड़ी, एक x तो ये है, तो आप लिख दो माइनस का 22x। अब देखो आप माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 22x स्क्वायर बन गया माइनस का 23x स्क्वायर, आगे चलते हैं माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 22x कितना चाहिए, प्लस का 142x, यहां कितना है 22x, कितना कम पड़ गया 120 कम पड़ गया, और वो भी प्लस का, तो आप ले लीजिएंगे अब प्लस का 120, ठीक है। अब देखिए आप प्लस का 22x प्लस का 120x
प्लस का 142x बन गया, और पीछे वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ये फैक्टर है, तो रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। देख लीजिए माइनस का 120 ऑटोमेटिक आ गया। अब आप x माइनस 1 को कॉमन लिख दीजिए, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब आप इसके फैक्टर बना लीजिए x माइनस 1, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 12x प्लस का 120। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 1, और यहां से x कॉमन, x माइनस 10 माइनस का 12 कॉमन, x माइनस 10, तो ये हो गया आपका x माइनस 1, यहां से x माइनस 10 और x माइनस 12। तो कितना सिंपल हमने कर लिया कि जब क्यूबिक होता है तो उसमें से हम एक फैक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? P1, P2, P3, P-1, P-2 वैल्यूज रख के जो भी उसके फैक्टर्स बनते हैं कांस्टेंट टर्म की, क्योंकि हमने पढ़ा था फैक्टर थ्योरम में अगर px को x माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, p a 0 आता है तो x माइनस a फैक्टर होता है। यहां p1 0 आया, इट मींस x माइनस 1 फैक्टर हो गया। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने रिमाइंडर थ्योरम देखा, रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज देखी, और फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस को अप्रोच किया। फैक्टर थ्योरम की जो एक्सरसाइज है वो मैं इसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में लाऊंगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी है एक्सरसाइज, तो वीडियो भी और बड़ा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।